मोदी भविष्य में कभी प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मैं दावा करता हूं, उसमें सम्माननीय दिग्विजय सिंह की जीत होगी और किसी कारणवश नहीं होती है तो मैं महामंडलेश्वर वहीं उसी जगह जिंदा समाधि ले लूंगा, ये मेरा प्रण। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। दोस्तों बीजेपी तो जीत चुकी है तो सबसे पहले उनको और उनकी टीम को और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चूतिया नेताओं के बारे में जिन्होंने पूरी मेहनत की कांग्रेस की नैया डुबाने में और अपनी मैया की इज्जत उतरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों पहला लफंगा है नवजोत सिंह सिद्धू। ये चूतिया बोला था कि अगर इसका पप्पू अमेठी से पास नहीं हुआ तो ये चूतिया संन्यास ले लेगा राजनीति से। अब अमेठी से तो इसका पप्पू फेल हो गया, अब कुछ लोग इसके बर्नौल लेके इसको ढूंढ रहे हैं कि जहां मिले बस इसके पिछवाड़े में वही डाल दें। दूसरा है दिग्गी राजा। इसके बारे में, इस चूतिए के बारे में तो वैसे दोस्तों मैं कई वीडियो बना चुका हूँ और आप सबका प्यार भी खूब मिला है, लेकिन आज इसको इग्नोर करते हैं, इस चूतिए को आज इग्नोर ही कर देते और मुलाकात करते हैं इसके पाखंडी बाबा लोग से, जो पाखंडी चूतिया बाबा लोग कैंपेन के समय कुछ अजीब ही बात बोलती थी। दिग्विजय सिंह सम्माननीय जिनके लिए लोग कह रहे हैं वो हिंदुत्व की छवि वाले नहीं है, ये छवि वाले नहीं है, तो भारत के संत उनके साथ हैं। और छोटी सी बात कह देता हूँ, 5 तारीख को माँ कामाख्या का प्रचंड यज्ञ 5 क्विंटल मिर्ची यज्ञ होने जा रहा है जिसमें लाल मिर्ची पूरी रहेगी और कोई दस नहीं रहेगी। मैं दावा करता हूँ उसमें सम्माननीय दिग्विजय सिंह की जीत होगी। पहले तो चूतिया मित्रों को ये बता दूं कि तेरे साथ हिंदुस्तान के संत नहीं है, तेरे साथ वही लोग हैं जो पाखंडी हैं और पाखंड करते हैं। और दूसरी बात, ये जो तू 5 क्विंटल लाल मिर्च लेके आया है ना, इसको एक काम कर, ये दिग्विजय के पिछवाड़े में डाल के हवन करवा दे। और तीसरी बात, तेरे को समाधि लेने की जरूरत नहीं है, तू उसी 5 क्विंटल मिर्ची के साथ घुस जा, तेरा हवन वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पाखंड वाले हिंदुत्व की जरूरत नहीं है। हम तो सरकार बना रहे हैं, आपने देखा नहीं कांग्रेस में सरकार बना दिया, फिर उल्लू बना रहे हैं। और फिर देखो आप 23 के बाद मिलना मुझे, इसके पहले मत बोलो। तो मैं शंका कम है, हमें शंका जोरदार नहीं रहती, हम दृढ़ विश्वास है हमें कि कांग्रेस 100% लिख लो, आपको बोल रहा हूँ। ये थे पाखंडी कंप्यूटर बाबा। ये ऐसे बाबा हैं जो चंद रुपयों के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। वैसे दोस्तों बर्नौल लेके मैं इसको भी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ये जो मोदी के लिए बोला था नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आएगा। मोदी भविष्य में कभी प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अरे पाखंडी बाबा, अब तो मोदी आ गया और मोदी छा भी गया। दोस्तों अभी चूतिए देशद्रोही का नंबर आता है, जिसका हारने के बाद पूरा का पूरा टोन ही बदल गया। व्यक्तिगत हार का सवाल है, संख्या बल के हिसाब से मुझे कम नंबर आया है, ये बात ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस चुनाव में मुझ जैसे व्यक्ति के लिए या हम जिस दल से चुनाव लड़ रहे हैं उसके पास खोने के लिए कुछ था। अब इस चूतिए देशद्रोही को कौन बताए कि ये नंबर गेम के ही लिए जेएनयू में देश विरोधी नारा लगाया था, ये इसी ही नंबर गेम के लिए चुनाव भी लड़ा था, ये इसी नंबर गेम को पाने के लिए थप्पड़ खाया था, ये इसी नंबर गेम का हिस्सा था जो अपने घर वालों की बेइज्जती करवाया था, रिपोर्टर को लेके गया था कि बोल रहा था कि 3 दिन में इसका साले का सिलेंडर ही खत्म हो जाता, मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, ये इसी नंबर गेम का हिस्सा था। और अब ये बोल रहा है कि नंबर गेम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस चूतिए को। संख्या बल के हिसाब से मुझे कम नंबर आया है, ये बात ठीक है। वैसे दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि इन सब का जो हेड है पप्पू अपना, उसका भी टोन बदला बदला नजर आ रहा है आजकल। मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूँ। अभी चूतिए जब जनता ही मालिक थी तो तू कौन होता था बोलने वाला कि चौकीदार चोर है, और बाद में फटकार भी पड़ी थी। जब जनता ही मालिक थी तो क्या जरूरत था तुम्हारे दिग्गी, सिद्धू रानी, ममता, अखिलेश इन सबको निगेटिव राजनीति करने की, और खासकर तू भी तो कर रहा था। दोस्तों दया तो सबसे ज्यादा प्रियंका मैडम पे आ रहा था, उनके अहंकार पे आ रहा है, क्योंकि किसी रैली के दौरान अमेठी में किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि स्मृति ईरानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो इन्होंने बताया था कि अब पता चला मैडम हूँ स्मृति, वही स्मृति ईरानी जिन्होंने तुम्हारे भाई के सर पे सहरा बधने से ही पहले दुल्हन को लेके भाग गई। Are you serious? Are you serious?
अरे बकलोल, सीरियस ही हूँ बे मैं। और अब तू भी थोड़ा सीरियस हो जा, क्योंकि राहुल बाबा अभी तो सिर्फ कांग्रेस को डुबाए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा परिवार भी वो लेके डूब जाए। दोस्तों थोड़ी बात निरहुआ के बारे में भी हो जाए, क्योंकि ये भी बंदा कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हो गया था। आजमगढ़ में चुनाव लड़ते समय इन्होंने बताया था भैया ये विधि का विधान ही बदल देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूँ। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। नहीं नहीं, राजनीति में आए थे थोड़ा समय देते, तुम तो बस मोदी के ऊपर करना पड़ता है भाई, कुछ करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं विधि का विधान बदल जाता है, मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों लास्ट में बस यही कहूंगा कि ये जो ममता चुड़ैल थी, ये अपना जाल पश्चिम बंगाल में बिछाई थी, उसका जाल तो फेल हो गया है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसका वीडियो मैं थोड़ा शुरू करके या फिर सोनिया गांधी का वीडियो, जिनका पप्पू फेल हो गया है, जिनका बच्चा फेल हो गया है, इनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए प्लान कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो है इन लोगों का, तो प्लीज हमें मेल जरूर करिएगा, मैं आपके संपर्क में रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है और इस वीडियो के बारे में आपका कहना क्या है, ये सब मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट लगभग पढ़ता हूँ और सबका रिप्लाई भी करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होना चाहिए, ममता के ऊपर होना चाहिए या सोनिया गांधी के ऊपर, इन दोनों में आप डिसाइड करके आप मेरे को जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।